हेलो, चलो आज बात कर लेते हैं गुलकंद के बारे में। ये है पतंजलि का दिव्य गुलकंद। ये प्रोडक्ट जो है ये आपको 52 रुपीस में 400 ग्राम्स मिल जाता है और अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि गुलकंद जो होता है ये गुलाब के पत्ते, आई मीन जो फ्लावर होता है गुलाब, और चीनी शुगर के साथ मिलके ये बनाया जाता है। एक्चुअली ये किसी भी मौसम में आप ले सकते हो। वैसे तो ये प्रेफरेबली आपको समर्स में ही लेना चाहिए क्योंकि गुलाब एंड शुगर दोनों जो है ये ठंडी तासीर के हैं, ये आपको ठंडक पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी उन लोगों को जिनका बहुत मन करता है खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद, अगर वो कोई मिठाई खाते हैं या कोई कुछ चीनी खा लेते हैं सिर्फ, या कुछ भी खाते हैं, या तो वो गुड़ खा लें अगर उनको बहुत मीठा खाने की क्रेविंग होती है, या फिर वो गुलकंद खा लें क्योंकि गुलकंद जो है ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। खाना खाने के बाद आप इसको एक स्पून खा लो और बिलीव मी ये इतना टेस्टी होता है ना कि आप सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। एक स्पून आप गुलकंद खा सकते हैं। वैसे गुलकंद तो आप रात को ठंडे दूध के साथ भी खा सकते हैं, गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको खाना है आप खा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ, देखो जो मैंने आपको बताना होता है ना मैं इसमें लिख लेती हूँ सो दैट मेरे से कोई पॉइंट मिस ना हो। अच्छा, अब मैं आपको गुलकंद का बताती हूँ ये करता क्या क्या है। एक्चुअली इट इम्प्रूव्स आवर मेमोरी, आई साइट, देन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर हम थके थके से बहुत फील करते हैं, और एक चम्मच बस गुलकंद खा लो बिकॉज इसमें शुगर है, वो इंस्टेंट हमें एनर्जी देगी। अच्छा, देन इन्फ्लोमेशन या रेडनेस ऑफ आइज, अगर हमारी आंखें लाल रहती हैं। एक्चुअली मेन वही बात आ गई ना, अगर आपको बहुत आप गर्म तासीर के हो, आपको बहुत अंदर से गर्मी सी लगती है, पित्त का दोष अगर आपका बड़ा हुआ है, इन सिंपल लैंग्वेज तो ये ठंडक पहुंचाने का काम करता है। इट प्यूरिफाइज ब्लड, रिमूव्स टॉक्सिन्स। आप ये लेना शुरू कर दो, आप देखोगे आपका खून साफ होना शुरू हो जाएगा, जो भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं ये उसको रिमूव करता है। और जब खून साफ होगा और हमारे अंदर टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो बिलीव मी हमारे चेहरे पे एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही नूर होगा जब हमारा पेट साफ होगा। अच्छा, ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में तो रामबाण दवा है ये, मतलब जादुई ये दवा कह रही हूँ इसको मैं। खैर चलो कुछ भी कह लो, लेकिन ये जो गुलकंद है ये आजकल मतलब बहुत ज़्यादा हमारी जो अपने चीज़ें हैं वही ना, अपना अपनी कंट्री की लोकल चीज़ें जो है ये सब जो है बैकफुट पे चली गई हैं। गुलकंद के बारे में देख लो तो लोगों को कुछ को तो पता ही नहीं होगा, जबकि ये इतनी बेसिक सी चीज़ है और इतनी सस्ती चीज़ है। इमेजिन आपको 52 रुपीस में कितना अच्छा खासा इसकी आपको क्वांटिटी मिलती है। तो ठीक है, अब हमें अपना आना पड़ेगा अपने कल्चर में वापस, और हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए, ज़रूर खानी चाहिए। तो मुझे आपको यही बताना था। अभी एक्चुअली मैंने दो और वीडियोस बना के हटी हूँ, वो भी इन्हीं पे थी। एक्चुअली मेन मैं ये देख रही हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, गर्मी, पिंपल्स, एक्ने, और उनको पता नहीं होता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये ऐसी कुछ वीडियोस बनाऊँ कि उनको पता तो चले कि ये पित्त दोष की वजह से है। पित्त दोष मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी आपको पिंपल्स एंड आँखों में आँखें लाल रहती हैं, घबराहट सी रहती है, पेट खराब सा रहता है। ठीक है, ये सब गर्मी ज़्यादा बढ़ने के वो हैं, तो ये आपको बहुत ठंडक पहुंचाएगा। आप गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट है। आप इसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं दूध में डाल के, एंड आप इसको इसका मिल्क शेक बना के पी लें तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मेरा तो ये फेवरेट है। तो यस, मुझे आज इतना ही बताना था, तो इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। सी यू, बाय बाय।